बैक टू द चैनल। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं, मिलवाएंगे टाटा की नई फेसलिफ्ट सफारी से। तो ये कुछ इस अंदाज में इसका आपको देखने को मिलता है, जो साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है कुछ इस अंदाज का। बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की, चलते हैं बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो कुछ इस अंदाज में आपको इसका फ्रंट का प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। लैंप वगैरह चेंज कर देंगे, ग्रिल चेंज कर देगी, फ्रंट में कैमरे की प्लेसमेंट दे दी है, आगे की तरफ दो सेंसर दे दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाता है हेडलैम्प मिल जाता है कुछ इस अंदाज में। सफारी भी लिखा हुआ देख सकते हैं आप यहाँ, और साथ ही मिल जाता है यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी दिया गया है। तो ये इसका नया फेसलिफ्ट है सफारी का। फीचर्स की अगर बात करता हूँ, प्राइसिंग की अगर बात करता हूँ, तो आप मानकर चले कि 16,19,000 रुपये की प्राइसिंग से शुरू होने वाली ये बिग भोकाल गाड़ी आपको मिल जाती है मार्केट में। और साथ ही मैं बात करता हूँ तो प्राइस के बाद इसके जो चार जो इसके अंदर ब्रांड्स वेरिएंट्स जो है, चार वेरिएंट इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं। एक स्मार्ट है, एक प्योर है, एक एडवेंचर है, और एक अकम्प्लिस्ड, ऐसे करके चार वेरिएंट इसके अभी लॉन्च किए हैं कंपनी ने। तो ये 7 सीटर के सेगमेंट में आपको मिलती है एसयूवी बिग साइज, जो इसका ये मैं आपको फ्रंट लुक बताया आपको मैंने। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके इंजन कैपेसिटी की। तो इंजन इसका आपको मिल जाता है लगभग मानकर चले कि 2000 सीसी का इंजन इसमें आपको मिलता है गाड़ी टाटा सफारी का। जहां तक मैं अपनी बात करूं, तो मेरे अंदाज में अगर मैं बात करता हूं, तो जो पहले वाली सफारी थी उसका लुक ज़्यादा बोल्ड आता था, बट हाँ कुछ नए चेंजेस किए। नीचे की जो स्किड देख सकते हैं आप, ये स्किड प्लेट नीचे की जो है वो ड्यूल टोन के अंदर ब्लैक और सिल्वर क्रोम फिनिश के अंदर दी गई है। पावरफुल गाड़ी है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, और वाइट कलर के अंदर कुछ अलग ही नए अंदाज में अच्छी दिखती है। साइड की प्रोफाइलिंग की अगर बात करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी की साइड की कुछ प्रोफाइल इस अंदाज में नज़र आती है। बड़ी गाड़ी लगती है, काफ़ी बड़ा इसका रोअप लगता है, जिसको कह सकते हो बिग भोकाल लगता है। 19 इंचज़ के तो इसके अंदर टायर साइज़ हैं, और अलॉय व्हील आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के डायमंड कट के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर। डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है सफारी की इसकी, और पीछे की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक पीछे भी मिल जाती है इस मॉडल के अंदर। तो बात कर रहे हैं हम आज सफारी के इस बिग भोकाल अंदाज में, तो क्या क्या फीचर्स, किस तरह की इसके अंदर इंटीरियर और क्या डिज़ाइनिंग दी गई है उसकी बात करेंगे हम गाड़ी के ओवरऑल। तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर आप बैजिंग देख सकते हैं, ये सफारी की यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बैजिंग देख सकते हैं। साथ ही बात करते हैं ये जो स्लाइडिंग आ रही है, ये स्लाइडिंग आपको मिल जाती है इसके अंदर वाइट के साथ ब्लैक का कुछ अलग ही अंदाज में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो ये ओवरऑल साइड की प्रोफाइल में। डोर के हैंडल बड़े कमाल के दिए गए, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। क्रोम की लाइनिंग और वाइट बॉडी कलर के साथ जो इसका मिक्सचर है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। पिलर जो है आपको ब्लैक दिए गए हैं, क्वार्टर पैनल भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। ऊपर की तरफ रूफ रेल एक नए अंदाज में दी गई है, आप देख सकते हैं ये रूफ रेल के साथ एक क्रोम का एलिमेंट जो यहाँ पर दिया गया है, ये भी कुछ खूबसूरत दिख रहा है ये रूफ रेल और ये क्रोम एलिमेंट, और साथ में ब्लैक ड्यूल टोन में ब्लैक कलर की आपकी रूफ, तो ये कुछ इस अंदाज में अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। तो एक अलग प्रेजेंस देने वाली ये गाड़ी, जो सफारी गाड़ी जो है, मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी गाड़ी ही आपको देखने को मिलती है। फॉर्चूनर के बाद फॉर्चूनर के मुकाबले में ये गाड़ी आपको बहुत अच्छा फील देने वाली है। लुक्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ओवरऑल जो लुक्स की बात कर रहा हूँ, गार्निश लगी हुई है नीचे क्रोम की आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव जो साइड प्रोफाइल को बनाया गया है। ORVM आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 360 कैमरा की प्लेसमेंट भी दी गई है, 360 कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। साथ ही जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको ORVM मिल जाते हैं। ऑटो एडजस्ट ऑटो फोल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाता है। तो ये बात हो गई हमारी साइड प्रोफाइल की। गाड़ी के बैक प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो गाड़ी के बैक प्रोफाइल में लैंप पूरे चेंज किए गए हैं, जैसे आपको हैरियर के चेंज किए गए थे, लैंप इसके भी यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। और यहाँ बैक प्रोफाइल में नीचे की तरफ जो स्किड दी गई है वो ड्यूल टोन स्टाइल की स्किड दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाएगा, बैक वाइपर मिल जाएगा, और हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, और वोकल फॉर लोकल की बैजिंग भी मिल जाएगी टाटा की
आपको लोगो मिल जाएगा। यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट, नीचे की तरफ कैमरे की प्लेसमेंट है, ये आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ कैमरे की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। लैंप काफ़ी अट्रैक्टिव है, बैक प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव है, ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। और साथ ही बात करते हैं तो स्पॉइलर की, वो भी आपको इसके अंदर दिया गया है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा लुक, ओवरऑल जो लुक है आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव लुक आपको ओवरऑल देखने को मिलता है। सफारी का इम्प्रेसिव है, मतलब लुक्स जो हम बात करते हैं, जिनको बड़ी बिग साइज एसयूवी चलाने की अगर हैबिट है और शौक है, तो वो इस उनकी उम्मीद पर ये गाड़ी खड़ी उतरने वाली है। पीछे की तरफ भी देखिए, यहाँ नीचे की तरफ भी आपको लैंप की प्लेसमेंट मिल जाएगी, ये लैंप की प्लेसमेंट यहाँ भी मिल जाती है। बात करेंगे साइड प्रोफाइल के बाद, ओवरऑल जो मैंने साइड प्रोफाइल की बात की, अब बात करते हैं चलिए इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर किस तरीके का डिज़ाइन किया गया है, डोर पैड पे क्या फीचर्स हैं, ये क्रोम की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी लग रही है। और डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के प्रीमियम लेदर के साथ डोर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और ये ऑटो फोल्ड का ऑप्शन, ORVM की कंट्रोलिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं, ORVM की कंट्रोलिंग ये यहाँ पर दी गई है कुछ इस अंदाज में। डोर पॉकेट काफ़ी बड़ी है, अपने आप में काफ़ी बिग साइज़ का डोर है और ये इसकी ओपनिंग है। तो इसके बाद देखिए इंटीरियर की अगर बात करता हूँ, तो इंटीरियर कुछ इस तरीके का प्रीमियम आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। प्रीमियम जो आपको लेदर की यहाँ पर सीट्स मिलती हैं काफ़ी अच्छे वाइट टच के साथ, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलता है, कॉफ़ी कलर का कुछ यहाँ पर आपको इंटीरियर ड्यूल टोन के अंदर वाइट एंड कॉफ़ी कलर का। और स्टीयरिंग की क्या प्रीमियमनेस जो आप फील कर सकते हैं स्टीयरिंग के, लेदर रैप किया हुआ, ये भी आप देखिए कुछ इस अंदाज में आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक ये गाड़ी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये आर्मरेस्ट भी दिया गया है। सीट के ऊपर टोटल जो है ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं आपकी, और जो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होंगी जो सीट के ऑप्शंस आप यहाँ देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे रिक्लाइन ऊपर नीचे और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो काफ़ी प्रीमियम जो कार आपको ये SUV मिलती है देखने के। गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं कैसा कुछ फील आता है, कमांडिंग है या नहीं। तो गाइस जो फील आपको फ्रंट का सामने का आता है वो काफ़ी अच्छा कमांडिंग है और काफ़ी इम्प्रेसिव है। बस बाकी फीचर्स बता देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव सा डैशबोर्ड है। ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ तो ग्लव बॉक्स काफ़ी बिग साइज़ का ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है, साथ ही इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव मिलता है। आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ ग्रैब हैंडल दिया गया है, ग्रैब हैंडल जो है ऊपर ये फोल्डेबल है। यहाँ पर आपको सनरूफ का ऑप्शन, बिग सनरूफ है इसके अंदर, काफ़ी बड़ी सनरूफ मिल जाती है। और यहाँ पर लैंप आपको दिए गए हैं कुछ इस अंदाज में। वैनिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको वैनिटी भी दी गई है, ये सनशेड के अंदर आपको वैनिटी भी दी गई है। तो काफ़ी मतलब मुझे इसका प्रीमियमनेस इम्प्रेसिव लगी। बात कर लेता हूँ आर्मरेस्ट की, तो काफ़ी अच्छा ये वेंटिलेटेड आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है। कप होल्डर्स दिए गए हैं, ये कुछ इस अंदाज में इसका सेंटर कंसोल है आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़े साइज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बैटरी की क्योंकि प्रॉब्लम है गाड़ी की, बैटरी लो है, नहीं तो मैं आपको क्लस्टर भी दिखाता और यहाँ पर स्क्रीन भी दिखाता, लेकिन गाड़ी की बिल्कुल बैटरी डाउन पड़ी है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर आपको विंडो की कंट्रोल, तो काफ़ी मज़ेदार सा फील आपको यहाँ पर आने वाला है और बहुत अलग फील आने वाला है, कुछ डिफरेंट आप अलग महसूस करने वाले हो काफ़ी अच्छी बड़ी गाड़ी के अंदर। इस तरफ आपको नीचे की तरफ चार्जिंग के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ये फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है, इसके कुछ डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पर गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। और काफ़ी जो स्टाइलिंग किट है वो काफ़ी स्टाइलिंग किट जो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव और बहुत इम्प्रेसिव है यहाँ पर ये। गाड़ी के बैक प्रोफाइल की बात करता हूँ, डोर पॉकेट पीछे की तरफ अलग से एक उसको स्टोरेज में डिवाइड किया गया है, तो काफ़ी अच्छा आप सामान कैरी कर सकते हैं, डोर पॉकेट काफ़ी हेल्दी है। ये आपको विंडो के शेड्स भी दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस अंदाज में, यहाँ पर विंडो के ये शेड्स भी दिए गए हैं, इसको आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो आपकी गाड़ी को काफ़ी अच्छी कूलिंग ये करके देने वाला है कुछ इस अंदाज में। ये आप देख सकते हैं बड़ी वाली सीट है, सीट के मामले में टाटा बहुत शानदार है, उसकी सीट्स आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती हैं। थाई सपोर्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबर सपोर्ट, थाई सपोर्ट दोनों आपको मिलते हैं,
काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है, काफ़ी बढ़िया, और लंबर सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। सीट कुछ काफ़ी ग्रिप वाली, पकड़ के रखने वाली सीट्स हैं यहाँ पर। यहाँ एसी वेंट साइड में दिए गए हैं गाड़ी के, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एसी वेंट है, ये साइड में दिए गए प्लेसमेंट, नीचे की तरफ नहीं होती, और काफ़ी अच्छा प्रीमियम इंटीरियर आपको फील देने वाला यहाँ पे मिलता है देखने को। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है दो, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी प्रीमियम ये गाड़ी है। सो गाइस, JBL के आपको स्पीकर ट्यूटर वो सब इसके अंदर दिए गए, अच्छे से कम्प्लीटली फुलफिल किया है कस्टमर की डिमांड्स को, कस्टमर की डिमांड को काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है। ये आप देखिए यहाँ AC की प्लेसमेंट, पीछे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ चार्जिंग के ऑप्शंस हैं, और साथ ही यहाँ फ़ोन की आपको रखने का ऑप्शन दिया गया है। ये आपका आर्मरेस्ट, और ये इस शाही अंदाज की इंटीरियर के साथ कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा, लुक्स, लुत्फ उठाएंगे आप जब आप देखेंगे गाड़ी को पीछे से बैठकर, तो कुछ इस अंदाज में आपको गाड़ी नज़र आएगी। काफ़ी बड़ी सनरूफ, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बिग साइज़ की आपको सनरूफ मिलने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ ग्रैब हैंडल है, ये लैंप है, बैटरी डाउन है तो लैंप नहीं जल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। और नी रूम की बात करता हूँ तो सीट बिल्कुल पीछे की गई है, सीट बिल्कुल पीछे है, उसके बावजूद मेरे जो नीज़ हैं मैं कंफर्टेबल मान सकता हूँ कि मैं कंफर्टेबल राइड ले सकता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बैक डोर की, थर्ड लेन की, जो थर्ड लेन है, थर्ड लेन की सीट का कंफर्ट कैसा है, किस तरीके का अंदाज का है। तो ये दो लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि दो लोग इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं, सीट वही कंफर्टेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लोगों के बैठने की जगह है, नी रूम भी ठीक है, यहाँ पर नी रूम भी आपको ठीक दिख रहा है। यहाँ पर आपको चार्जिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं, कप होल्डर है और चार्जिंग का ऑप्शन है। एसी वेंट यहाँ पीछे के क्वार्टर पैनल पर, ये आप देख सकते हैं एसी वेंट यहाँ पर दिए गए हैं, और काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट एसी वेंट की भी पीछे की रो के लिए की गई है अलग से। और यहाँ पर जो है आपका ये, इसको आप मैनेज कर सकते हैं, जो हमारा ब्लोअर है उसको मैनेज कर सकते हैं, पीछे की तरफ जो ये ब्लोअर ऊपर दिया गया है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपको गाड़ी मिल जाती है 7 सीटर, सफारी अगर आप जाना चाहते हैं 7 सीटर में तो कुछ इस अंदाज में मिल जाती है। ओवरऑल गाइज, आप इसको एक प्रीमियम SUV कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम SUV, बिग साइज़ की आपको ये, काफ़ी प्रीमियम भी आपको फील करवाने वाला है ये मॉडल जो मैंने आपको बताया है, जो ये मॉडल ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलता है। प्राइसिंग का भी मैं आपको बता चुका हूँ, माइलेज भी आपको 16-17 की माइलेज भी दे देती है, ऐसा नहीं है, और काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव राइड आपकी इसके साथ होने वाली है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मेरा ज़रूर बताइएगा, लगभग सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई आपको, क्या फीचर है, क्या इंटीरियर है, क्या चेंज किया गया है गाड़ी के अंदर। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।